हेलो एंड वेलकम टू द्यूज क्लासेस आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल थे क्लासेस में स्वागत है हम सबका इंतजार खत्म हो चुका है जे रांची के द्वारा मॉडल टेस्ट पेपर जारी किया जा चुका है सेकेंड टर्म जो पेपर होने वाला है क्लास नाइन्थ और एलेवंथ का उसका मॉडल सेट पेपर आपका जारी हो चुका है तो हम लेकर के उपस्थित हुए हैं आपका मॉडल सेट पेपर थ्री जिसके सॉल्यूशंस को हम लोग देखेंगे कि कैसे हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो क्लास नाइन्थ का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का पेपर हम लोग देखेंगे सेट थ्री का मॉडल सेट पेपर है उसका सॉल्यूशंस को देखेंगे उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें टोटल मार्क्स का जो पेपर होने वाला है फोर्टी मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है और जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो वही पैटर्न है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है अगर आपने वो वीडियो देखा होगा जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है है ना अगर आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो उससे आपको पता चला होगा कि ये जो एग्जाम्स uh, का पैटर्न है सेम वही है इसमें क्या है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 19 है और इसमें से पहला जो तीन सेक्शंस में डिवाइडेड है पहला सेक्शन जो है एक से लेकर के प्रश्न संख्या सात तक है जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें से आपका टोटल जो क्वेश्चन है वो सेवन है जिसमें से आपको केवल फाइव क्वेश्चन करने हैं और सारे क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो दो मार्क्स के यानी टोटल कितने हो गए दस मार्क्स के सेकेंड सेक्शन जो है वो भी कितने प्रश्न हैं इनमें से आठ से लेकर के चौदह तक क्वेश्चन नंबर एट टू तो फोर्टीन जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं सेवन है सेवन नंबर सेवन क्वेश्चन हैं और ये इन सेवन क्वेश्चन में से आपको केवल फाइव क्वेश्चन करना है और हर क्वेश्चन का मार्क्स जो होगा वो कितना होगा थ्री होगा क्लियर है यानी टोटल हो गया फिफ्टीन और जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर थ्री उस सेक्शन में आप देखेंगे कि उस सेक्शन में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं है वो आपका पांच क्वेश्चन है यानी चौदह यानी पंद्रह से लेकर के है ना पंद्रह से लेकर के उन्नीस क्वेश्चन तक वो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इनमें से आपको केवल तीन क्वेश्चंस को करना है क्लियर है तो आइए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपका शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है ठीक है ये आपका पार्ट टू है इसको हटाइए अभी इसको हम लोग देखते हैं सबसे पहले, पहले पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सेक्शन ए से है कि एक चतुर्भुज के तीन कोण दिया हुआ है दस एक डिग्री सत्तर डिग्री और नब्बे डिग्री इसका चौथा कोण आपको ज्ञात करना है ठीक है तो चौथा कोण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ये क्या दिया हुआ है चतुर्भुज चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है तीन सौ साठ डिग्री आप क्या करोगे आप करोगे कि लिखोगे ये देखिए आपका दो मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप लिखोगे क्या कि चतुर्भुज के कोणों का योग ठीक है कोणों का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री ठीक है उसके बाद क्या हो जाएगा पहला आपका कितना दिया हुआ है पहला दिया हुआ है 110 डिग्री तो 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री ठीक है 360 डिग्री अब कितना हो गया एक सौ दस प्लस सत्तर एक सौ अस्सी और नौ कितना हो गया दो सौ सत्तर टू सेवेंटी डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री क्लियर है तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो जाएगी एक्स इज इक्व टू दैट इंप्लाइज है ना दैट इंप्लाइज का साइन लगा दोगे दैट इंप्लाइज एक्स इज इक्व टू थ्री सिक्सटी डिग्री माइनस टू सेवेंटी डिग्री तो 360 डिग्री माइनस टू डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री क्लियर है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री तो यानी चौथा कोण जो है है ना क्या लिख दोगे चौथा कोण कोण बराबर कितना हो गया 90 डिग्री क्लियर है तो फर्स्ट का आंसर कितना हो गया 90 डिग्री चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि आकृति में यदि कोण बी ओ सी एंगल बी ओ सी जो है वो साठ डिग्री है तो एंगल बी सी का मान ज्ञात करें ये आकृति है आपको दिख रहा होगा ये आकृति इस आकृति में आपको दिख रहा है कि बी ओ सी का मान जो है वो दिया हुआ है एक सौ चालीस डिग्री आपको फाइंड आउट करना है बी सी क्या लिखोगे एंगल बी एस सी इज टू हाफ एंगल बी ओ सी तो क्या हो जाएगा हाफ बी ओ सी का मान कितना है एक सौ चालीस डिग्री तो कितना डिग्री हो जाएगा 70 डिग्री तो एंगल बी एस सी का मान कितना हो जाएगा सत्तर डिग्री ठीक है ये क्या हो जाएगा आंसर क्लियर है तो ये ये दो क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए तो क्वेश्चन नंबर थ्री दिख रहा होगा आपको कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 30 डिग्री के कोण की रचना करें कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ द गिवेन रे ठीक है तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि कितना डिग्री फाइंड आउट करना है कितना बनाना है तीस डिग्री तो जल्दी से देख लेंगे हम लोग इसको हम लोग मिटा लेते हैं ठीक है तो आपको कितना फाइंड आउट करना है थर्टी डिग्री तो सबसे पहले एक लाइन कंस्ट्रक्ट कीजिए है ना अब इस लाइन पे इस पॉइंट पे ये पॉइंट ए, ए हो गया और ये हो गया बी ए पर आपको कंस्ट्रक्ट कर लेना है कितना तीस डिग्री तो क्या करना है कंपास यानी डेढ़ सुया डेढ़ सुया का पॉइंट यहाँ पे रखना है है ना और उसमें से जो पेंसिल लगा हुआ है उसको एक चाप एक फिक्स कर देंगे और इस चाप से इस तरह से खींचेंगे ठीक है और इस तरह से बिना उसको हिलाए इस पॉइंट पर रखेंगे इस पॉइंट पर रख करके उसको एक बार काटेंगे तो ये जो एक चाप होता है वो कितना डिग्री बनाता है सिक्सटी डिग्री ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको सीधा लाइन ये कितना हो गया सिक्सटी डिग्री आपको फाइंड आउट कितना कितना करना है थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री का मतलब क्या हुआ इस पॉइंट ये और ये जो कौन साठ डिग्री का क्या हो जाएगा बाइसेक्ट यानी इसको दो भाग में सब विभाजक करेंगे तो इस पॉइंट पर रख करके इस पॉइंट पर रख करके डेढ़ सुहा को एक बार पेंसिल से यहाँ काटेंगे और फिर इस पॉइंट पर रख करके यहाँ जो कट किया है इस पॉइंट पर रख करके डेढ़ सौ यासी इसको यहाँ काटेंगे और फिर ए से क्या कर देंगे इसको खींच देंगे सीधा लाइन ठीक है इसको हिलाना नहीं है तो ये जो कोण होगा ये कोण जो होगा वो कितना डिग्री होगा थर्टी डिग्री हो गया क्लियर है आई बात समझ में तो थर्टी डिग्री बनाने के लिए आपको सबसे पहले सिक्सटी डिग्री बनाना होगा और फिर उसको क्या कर देना होगा बाई सेट कर देना होगा आई होप ये समझ गए होंगे ये थे आपके क्वेश्चन नंबर थ्री ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर दस सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए सबसे पहला चीज कि एस बराबर आपको क्या फाइंड आउट करना है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू तो ए की वैल्यू कितनी है ए की वैल्यू है एटीन फिर टेन और फिर फोर्टी टू बाई टू कितना हो जाएगा अब अठारह दस अट्ठाईस और बयालीस कितना हो जाएगा सत्तर सत्तर बटे दो करोगे तो कितना आ जाएगा पैंतीस तो एस की वैल्यू कितनी आ गई थर्टी फाइव अब क्षेत्रफल जो होगा है ना एरिया कितना हो जाएगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अब क्या हो जाएगा एस की वैल्यू कितना हो जाएगी थर्टी फाइव है ना थर्टी फाइव माइनस ए तो ए कितना है अट्ठारह तो यानी हो जाएगा सेवेंटीन इन टू एस माइनस बी थर्टी फाइव माइनस टेन कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव और एस माइनस थ्री थर्टी फाइव माइनस फोर्टी टू कितना हो जाएगा माइनस सेवन और माइनस तो होना नहीं चाहिए इसका मतलब क्या है कि इसका क्षेत्रफल नहीं होगा इसका मतलब है कि जो दिया हुआ भुजाएं जो भुजाएं दी हुई है जो साइड्स दिया हुआ है उससे ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है ठीक है ये भी देखेंगे हम लोग कि जब हम लोग दो है ना दो भुजा को जोड़ने के बाद जो तीसरी भुजा होगी उससे वो अधिक होना चाहिए है ना दो भुजाओं का योग द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स है ना लेकिन अट्ठारह और दस कितना हो जाएगा अट्ठाईस तो क्या ये बड़ा है बयालीस से नहीं है इसका मतलब है कि इससे ट्राइंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इसका एरिया फाइंड आउट नहीं हो जाएगा इसका एरिया क्या हो जाएगा कुछ नहीं जीरो ठीक है इसकी एरिया कुछ नहीं होगी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है कि आंकड़ों का यानी फाइंड द मीन ऑफ दस सात तेरह बीस और पंद्रह क्या करेंगे सबको जोड़ करके जितना नंबर है एक दो तीन चार पांच उतना से डिवाइड कर देंगे है ना तो सबको जोड़ दो क्या है सबको जोड़ने पर क्या आता है दस सात तेरह बीस पंद्रह दस सात तेरह बीस पंद्रह डिवाइडेड बाई 5. ये क्या हो जाएगा माध्य क्या हो जाएगा माध्य? बराबर ठीक है तो कितना हो जाएगा सत्रह और तेरह कितना हो जाएगा तीस और बीस पचास और दस साठ और पैंसठ पैंसठ बाई पाँच तो पाँच से पैंसठ कटेगा कितना बार में तेरह तो माध्य कितना आ गया बराबर थर्टीन आंसर क्लियर तो ये हो गया आपका माध्य ठीक है स्क्रीनशॉट ले, ले लेंगे या फिर बना लेंगे ठीक है आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है ना इसको हटा देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मुझे आंकड़े जो दिए हुए हैं उसका बहुलक ज्ञात करना है तो इसमें क्या करना है इसको आपको कुछ करना नहीं है इसमें आपको ऐसा नहीं कि चार कितना बार आया छः कितना बार आया लिखने की जरूरत नहीं है सीधे देखो कि इसमें से सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या आया तो नौ देखिए नौ एक दो तीन और चार तो नौ कितना है चार तो इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा मोड जो होगा मोड बराबर या बहुलक बराबर कितना हो जाएगा नौ जो होगा वो आंसर हो जाएगा क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन ये क्वेश्चन नंबर सिक्स था क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई चालीस गेंदों में दस बार चौका लगाती है यानी चौका न मारे जाने की प्रायिकता क्या होगी तो कितना बार चौका मारा जा रहा है भाई तो दस बार कितना बार दस बार तो दस बार जब चौका मारा जा रहा है तो नहीं कितना बार मारा जा रहा है तीस बार क्योंकि टोटल कितना गेंद खेलता है चालीस चालीस गेंद खेलती है तो कितना बार चौका नहीं मारा गया तीस बार तो प्रायिकता क्या हो जाएगी प्रायिकता जो होगी प्रायिकता जो होगी वो क्या हो जाएगी पी ई -E, बराबर आप लिख लोगे एन ई बटा एन एस तो एन ई कितना हो गया कितना बार नहीं मारा है तीस बार और टोटल बार कितना बार कितना गेंद खेला गया है चालीस तो इसका पी -E क्या हो जाएगा यानी प्रायिकता क्या हो जाएगा तीस बटा चालीस ठीक है यही आंसर हो जाएगा अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई इसको काट के हम अच्छे से लिखेंगे तो इसको काट के भी आप अच्छे से लिख सकते हो यही कट गया तो क्या हो जाएगा तीन बटा चार आंसर क्लियर है तो ये भी आंसर सही है तीस बटा चालीस और तीन बटा चार ये भी आंसर इसका सही है ठीक है नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे सेक्शन बी अब क्या है आपका सेक्शन बी है सेक्शन बी क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर एट कि सिद्ध करिए भैया कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है प्रूफ डायग्नोल्स आपके पैरलेलोग्राम बाइसेट ईच अदर ये आपके तीन मार्क्स के क्वेश्चन है तो डायग्नोल्स जो होते हैं वो बाइसेट करते हैं इसको आपको प्रूफ करना है तो क्या करोगे सबसे पहले आप पैरलेलोग्राम बना लिए ठीक है ये हो गया ए ये हो गया बी ये हो गया सी और ये हो गया डी इसके डायग्नोज हो गए ए सी और दूसरा डायग्नोज हो गया ए बी क्लियर इसको मिला दो ये पॉइंट ओ हो गया ठीक है अब क्या है इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि जो ए सी जो है और बी जो है वो क्या है सम विभाजित हो रहे हैं यानी इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना ये आपको दिखाना है शो करना है तो सबसे पहले क्या है दिया है क्या लिखोगे दिया है तो क्या दिया है ए बी सी डी एक पैरले ग्राम ए बी सी डी है ना आ, समांतर चतुर्भुज है है ना ठीक है या समांतर है हिंदी में लिखना है तो लिख लो गिवेन दैट इसमें में क्या हो जाएगा गिवेन दैट ठीक है नेक्स्ट क्या हो जाएगा आप गिवेन के बाद टू प्रूव दैट टू प्रूव दैट टीपीटी क्या हो जाएगा ए बराबर सी ओ है ना और क्या प्रूफ करना है बी ओ बराबर डी ओ ये कर देना है ठीक है कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ नहीं है अब आपको क्या करना है प्रूफ देना है क्या देना है प्रूफ यानी प्रमाण देना है यह सिद्ध करना है इसकी जगह पे आप लिख दोगे सिद्ध करना है तो अब प्रमाण क्या हो जाएगा भाई प्रमाण देने के लिए आप ले लोगे दो त्रिभुज यहाँ पे हम बना बना देते हैं प्रमाण यहाँ पे दो त्रिभुज ले लोगे इसको हम लोग थोड़ा ये कलर कर लेते हैं, ये त्रि ओ बी त्रिभुज ए बी और त्रिभुज में क्या हो जाएगा एंगल ए ओ बी बराबर एंगल डी ओ सी एंगल डी ओ सी क्यों हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना वर्ट यानी सिरसा भिमुख ठीक है इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा एंगल डी ओ सी यानी सिरसा भिमुख उसके बाद क्या हो जाएगा ए बी जो है ए बी है ना ए बी बराबर सी डी ए बी बराबर सी डी या डी सी है ना पैरलेलोग्राम है साइड्स ऑफ पैरले और दूसरा क्या हो जाएगा दिस एंगल एंगल ओ डी सी बराबर एंगल O, B, A. है ना क्यों क्योंकि ए बी जो है वो सी डी के पैरल है ए बी पैरल टू सी डी क्लियर है ए बी पैरल है सी डी तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे तो एंगल एंगल साइड ठीक है तो क्या हो जाएगा एंगल एंगल साइड से एंगल एंगल साइड से ये हो जाएगा ट्रायंगल ए बी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी है ना ये क्या हो जाएगा बाई ए एस आप फाइंड आउट करते एस ए एस से भी हो जाएगा और फिर क्या लिखोगे हेंस ए ओ बराबर एंस ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी या डी ओ कुछ भी लिखो बी ओ बराबर डी ओ करो सी ओ बराबर ओ ए करो है ना बाई सी पी सी टी है ना इसको लिख दोगे प्रूट क्या हो जाएगा प्रूट क्लियर है तो ये था स्क्रीन स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं ठीक है यह था क्वेश्चन नंबर टू अब हम लोग क्या करेंगे इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दिए गए चित्र यानी चित्र यहां पे दिया हुआ है इस चित्र में ए बी सी डी एक पैरेलोग्राम है ए e है दिया हुआ है कि ए बी सी डी क्या है एक पैरेलोग्राम है है ना उसमें से ए e जो है वो अल्टीट्यूड है यानी परपेंडिकुलर है किस पे सी डी पे और सी एफ जो परपेंडिकुलर है ए डी पे आपको फाइंड आउट करना है कि ए डी की वैल्यू क्या होगी दिया हुआ क्या है ए बी बराबर दिया हुआ है ए बी बराबर कितना दिया हुआ है सिक्सटीन सेंटीमीटर ए बी बराबर सिक्सटीन सेंटीमीटर ठीक है ए बी बराबर सिक्सटीन सेंटीमीटर और ए बराबर एट सेंटीमीटर आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे ए बी दे दिया है आपका सिक्सटीन सेंटीमीटर ए दे दिया है एट सेंटीमीटर सी एफ की वैल्यू दे दी है टेन सेंटीमीटर फाइंड आउट करना है ए डी तो यहां पे देखो कि पैरोलोग्राम का एरिया क्या होता है बेस इनटू हाइट तो ए इंटू सी डी है ना यानी ए इंटू ये, ये बराबर क्या होगा ए ये इंटू ये. ना ये इंटू ए डी इंटू सी ए तो ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी ए डी बराबर हो जाएगा ए इंटू सी डी यानी सिक्सटीन इंटू एट बाई टेन तो कितनी वैल्यू हो जाएगी बराबर वन ट्वेंटी एट बाई ट बराबर ट्वेल्व पॉइंट एट सेंटीमीटर क्लियर है क्या कर दिए दोनों तरफ से दोनों अल्टीट्यूड को लेकर के और बेस को लेकर के उसका एरिया को इक्वल कर दिए क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन क्या करता है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की त्रिज्या है ना सिद्ध कीजिए कि वृत्त की है वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाओं की लंबाई परस्पर बराबर होती है प्रूव दैट इफ द एंगल सबस्टेंडेड बाई द कोड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर्स आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल ठीक है क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे तो यहां पे देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कौन बराबर होता है जीवाओं की लंबाई परस्पर बराबर होती है ठीक है इसको आप कैसे बनाओगे इसको बना यहाँ पे क्या ले ली एक वृत्त ले लिए ये कोड मान लीजिए आपका कोड ए बी और दूसरा कोड हो गया आपका सी डी और यहाँ पे ओ हो गया क्लियर है आपको प्रूफ प्रूफ करना है कि ये और ये बराबर है जबकि ये कौन और ये कौन क्या है बराबर इक्वल एंगल सबस्टेंड कर रहा है ठीक है कोई भी आप चित्र बना सकते हैं आप अगर मन करे तो ये और ये ले लिए, इस तरह से ये भी बना सकते हैं ठीक है ना तो कोई भी चित्र बनाए कोई दिक्कत इसमें नहीं है आइए हम लोग इस डायग्राम से इसको हम लोग देखते हैं तो क्या करोगे आपको ये और ये फाइंड आउट करना है तो आप क्या ले लोगे सी ओडी क्या ले लोगे ट्रैंगल सी ओडी एंड ट्रैंगल बी ओ ए ठीक है इन ट्रैंगल इतना एंड इतना सीओडी एंड बी ओ ए तो क्या देखोगे कि ये एंगल ये एंगल गिवन है दिया हुआ है और ऐसे भी इस फिगर के थ्रू वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये साइड ये साइड के बराबर ये साइड ये साइड के बराबर क्यों क्योंकि रेडियस है तो साइड एंगल साइड तो साइड एंगल साइड से क्या होगा ये दोनों कंग हो जाएगा जब ये दोनों कन्गुरेंट हो जाएगा तो सी डी बराबर ए बी बाई सी पी सी ठीक है ना एस ए एस से क्या हो जाएगा कन्ग्रुएंट हो जाएगा और जब कन्ग्रुएट हो जाएगा तो ए बी बराबर सी क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर टेन तो हो गया क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिए क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या कह रहा है कि इन फिगर इफ एंगल ए बी सी बराबर सिक्सटी नाइन डिग्री देखिए इस फिगर में आप ये देखिए पहले ये वाला त्रिभुज को देखिए तो ये त्रिभुज इस साइड इस तरह से है और इसमें ये जो है वो सिक्सटी नाइन डिग्री है और ये जो है वो थर्टी वन डिग्री तो ये कितना हो जाएगा सिक्सटी नाइन प्लस थर्टी वन कितना हो जाएगा हंड्रेड डिग्री तो थर्ड डिग्री कितना हो जाएगा एट्टी डिग्री होगा ना क्योंकि सम ऑफ ऑल ए एंगल इज़ वन एट्टी डिग्री तो ये हो जाएगा आपका एट्टी डिग्री कितना हो गया एट्टी डिग्री तो जब ये एट्टी डिग्री हो गया तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे क्यों क्योंकि बोथ ऑफ देम आर ऑन सेगमेंट्स ठीक है और तो वहां से क्या हो जाएगा उस थ्योरम से क्या हो जाएगा ये एंगल जो होगा ये एंगल के बराबर होगा तो एंगल बी डी सी बराबर भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री क्लियर है एंगल बी डी सी बराबर भी 80 डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या कहता है कि एक कबड्डी टीम द्वारा मैचों की एक श्रृंखला बनाए गए अंक इस प्रकार है ठीक है तो आपको फाइंड आउट क्या करनी है मीडियम क्या फाइंड आउट करना है मीडियम तो सबसे पहले क्या करोगे आप इसको अरेंज कर दोगे असेंडिंग ऑर्डर में किसमें अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले टू हो जाएगा है ना फिर फाइव देख लोगे फिर सेवन फिर सेवन है फिर एट फिर एट फिर टेन फिर टेन है ना टेन के बाद फोर्टीन फिर देखिए फिफ्टीन फिर सेवेंटीन फिर एट्टीन है ना उसके बाद एटीन के बाद देखो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट है ना फोर्टी एट सॉरी उसके पहले ट्वेंटी सेवन आप इसको अरेंज कर लिए उसके बाद देखो कि काउंट करो तो कितना है एक दो तो, तीन चार पाँच छः सात आठ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सिक्सटीन होगा इसको काउंट कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन अच्छा ये छोटा ना देख लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन टोटल कितना हो गया सिक्सटीन एन कितना हो गया सिक्सटीन तो सिक्सटीन हो गया तो कौन सा टर्म हो जाएगा एन बाई टू कौन सा मीडियन होगा एन बाई टू हो जाएगा और एन बाई टू प्लस वन होगा एन बाई टू यानी कितना हो गया एट और नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो एक आ गया टेन और दूसरा हो गया फोर्टीन तो एट और नाइन्थ टर्म तो एट्थ और नाइन्थ टर्म कितना हो गया टेन एट्थ टर्म हो गया और नाइन्थ टर्म कितना हो गया फोर्टीन बाई टू तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर बाई टू इक्वल्स टू ट्वेल्व मीडियम क्या हो जाएगा ट्वेल्व आंसर क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या कह रहा है कि गेहूं के आटे के ग्यारह बोरे जिनमें से प्रत्येक पाँच किलो अंकित था वे वास्तव में, में निम्नलिखित भार के जी में थे इनमें से यादृच्छिक रूप से चुने गए किसी बैग में पाँच किलोग्राम से अधिक भार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए तो टोटल इसमें कितना है इलेवन तो नीचे क्या हो जाएगा एन एस कितना हो जाएगा आपको तो बताया पीई बराबर क्या लिखोगे एन ई e बराबर एन एस तो एन ई e कितना हो जाएगा इसमें से जो पाँच किलो से अधिक तो पाँच किलो से अधिक कौन है एक ये वाला है एक दो तीन चार पाँच छ सात कितना है सात तो सेवन बाई इलेवन क्या हो जाएगा आंसर क्लियर एन ई बराबर क्या लिखोगे आप एन ई बराबर लिख दोगे एन ई बराबर लिखोगे सेवन और एन एस बराबर लिखोगे इलेवन और पी ई बराबर लिखोगे एन ई e बट्टा एन एस बराबर सात बट्टा ग्यारह क्या हो जाएगा आंसर क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये जो तीन मार्क्स का क्वेश्चन है उसका सबसे लास्ट uh, क्वेश्चन है है ना तो इस लास्ट क्वेश्चन को देख करके हम लोग फिर नेक्स्ट uh, वीडियो में इसके जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यानी लास्ट सेक्शन जो है उसको हम लोग देखेंगे तो क्या कह रहा है तीन सिक्कों को एक साथ दो सौ बार उछाला जाता है तो इनमें से विभिन्न परिणामों की बारम्बारता निम्न है आपको फाइंड आउट क्या करना है कि तीन हेड की क्या प्रायिकता है और कोई हेड नहीं आ रहा है उसकी क्या प्रायिकता है है ना तो टोटल कितना हो रहा है भाई टोटल ये तीन चीज है ये देखो टू हेड है ना इसको टू कर दोगे थ्री नहीं है इंग्लिश में टू हेड है ना तो कह रहा है कि एन एस कितना हो जाएगा इसमें एन एस बराबर हो गया आपका दो सौ अब एन ई पहला क्या कह रहा है एन ई यानी थ्री हेड तो थ्री हेड्स का कितना है ट्वेंटी थ्री तो ट्वेंटी थ्री है तो पहला पी ई क्या हो जाएगा थ्री हेड की पी ई क्या हो जाएगी ट्वेंटी थ्री बाई टू हंड्रेड क्लियर है आंसर हो गया सेकेंड पी ई क्या हो जाएगी सेकेंड पी ई क्या कह रही है नो हेड नो हेड कितना है देखो इसमें नो no हेड कितना है नो no हेड यानी जीरो हेड तो यानी कितना है ट्वेंटी एट तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ट्वेंटी एट बाई टू हंड्रेड ठीक है आई होप आप ये समझ गए होंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को लेकर के ठीक है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें थैंक यू थैंक यू फॉर द वॉचिंग